ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। क्या धूम 4 में दिखाई देगा स्पाई किरदार? क्या धूम 3 के एक्टर दिखेंगे धूम 4 में? कौन बनेगा धूम 4 का पुलिस? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। धूम फिल्म जिसे यशराज प्रोडक्शन हाउस ने बनाया था, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर साबित हुई थी, उसी के पार्ट 2 और 3 रिलीज होकर जमाना हो गया। पर अब पार्ट 4 की तैयारियां चल रही हैं। बहुत जल्द फिल्म सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए आ रही है, तो आप भी तैयार हो जाइए धूम 4 का धूम देखने के लिए। धूम 3 की बात करें तो यह फिल्म एक चोर और पुलिस की कहानी पर बेस्ड थी, जिसमें आमिर खान ने एक चोर का रोल निभाया था, तो वहीं उस फिल्म में कटरीना कैफ ने उनकी पार्टनर बनकर उनका साथ दिया था। इसके अलावा इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा ने पुलिस का रोल निभाया था। अगर हम गौर करें तो धूम के सीक्वल्स चोर और पुलिस कहानी पर ही आधारित थे, पर क्या इस बार फिल्म में किसी स्पाई की एंट्री हो सकती है? वैसे स्पाई की वजह से ट्विस्ट तो आएगा और लोग इसे देखना पसंद भी करेंगे। अगर किसी चोर की चोरी की जगह फिल्म के राइटर्स स्पाई की स्टोरी को दिखा देते हैं, तो इस फिल्म में क्यूरियोसिटी बनी रहेगी और लोग इसे देखना पसंद करेंगे, क्योंकि मिस्टीरियस चीजें ऑडियंस को फिल्म के एंड तक बनाए रखती हैं। तो अब देखना यह है कि यशराज प्रोडक्शन हाउस धूम 4 फिल्म को स्पाई फिल्म बनाता है या नहीं। वहीं अगर धूम 3 के एक्टर्स को देखें तो फिल्म में आमिर खान, कैटरीना कैफ, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा ने रोल निभाए थे, लेकिन क्या कोई धूम 3 का एक्टर धूम 4 में नजर आने वाला है? अगर फिल्म स्पाई से रिलेटेड करेगी तो हो सकता है कि इसमें सारे एक्टर्स नए हों, लेकिन अगर चोर और पुलिस की कहानी फिर से दोहराई जाए तो हो सकता है कि हमें इस फिल्म में उदय चोपड़ा पुलिस का रोल में नजर आ सकते हैं। उन्होंने धूम 3 में पुलिस की भूमिका बहुत ही अच्छे से निभाई थी, तो हो सकता है कि फिल्म के डायरेक्टर इन्हें पार्ट 4 में एक रोल दें। वैसे आपको क्या लगता है? वैसे आपको बता दें कि फिल्म में सलमान खान और उनके साथ ही रणवीर सिंह का नाम भी जुड़ चुका है। इस बार हमें अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा की जगह रणवीर सिंह को देखने का मौका मिल सकता है। वैसे भी अगर रणवीर सिंह की बात करें तो वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। कॉमेडी हो या सीरियस सीन, या फिर एक्शन हो या रोमांस, वो हर एक सीन में बहुत ही अच्छे तरीके से सूट हो जाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पार्ट 4 रणवीर सिंह पुलिस के किरदार में दिखेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। धन्यवाद।